हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो इस अध्याय में भी हम देखेंगे कि जो इमारतें हैं उनमें आखिर क्या विचार थे, उस टाइम पे किस तरीके से विचार बने थे। इस चैप्टर में आपको यही जानना है कि जितने भी इमारत बनी हैं उनका आखिर किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही होगी, अर्थात क्या सोच के बनाया गया होगा। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ हम ये देखेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ। आत्मा की प्रकृति, मेरी या आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी, इन सब से भी बहुत छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी या आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से बहुत बड़ी है। सच्चा यज्ञ क्या होता है? यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ये सबको पवित्र करता रहता है, इसलिए यह वास्तव में एक यज्ञ है। तो इस प्रकार ये ग्रंथ हैं, जैसे कि उपनिषद है, ये क्यों बनाए जाते थे? बेसिकली ये बनाए जाते थे एक्सपीरियंस के आधार पे। जैसे आपने सुनी होगी ना कहानियाँ, या फिर आप यदि कभी किसी बूढ़े अपने दादा या नानी के पास बैठेंगे तो आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीज़ें आप करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं वो आपको उसका एक बहुत अच्छा उपाय बता सकते हैं। जैसे मैं कहानी बताती हूँ, मेरे बाल ना थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, मतलब मेरे बाल बहुत बड़े हैं, तो उनमें क्या होता है कि अक्सर कभी कभार दिक्कत हो जाती थी, मतलब वो कभी कभार नहीं बढ़ते थे, बहुत ही कम बढ़ने लगते थे। तो मेरी नानी ने ना बहुत अच्छी सी दवा मुझे बताई, ठीक है, तो उस दवा से क्या होता है कि मेरे बाल सही रहते हैं, उनमें रूसियाँ भी नहीं होती हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ये तो मेरी नानी का नुस्खा था। तो ऐसे ही कई सारे नुस्खे भी सबको मिलते हैं लाइफ में, जो नानी और दादा अपने एक्सपीरियंस के आधार पे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, फिर उन्हें इस दवा के बारे में पता चला होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब बहुत पुरानी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी सीख इंसान को मिली तो इंसान ने सोचा कि उसे एकत्र कर लेते हैं एक जगह पर, तो फिर ग्रंथ इत्यादि का निर्माण हुआ। जैसे कहा जाता है ना कि यदि आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको अपने जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके ही बनाए गए हैं। जो मानव की साइकोलॉजी है उसे काफ़ी अच्छे से स्टडी करके उसे बनाया गया है, उसे लिखा गया है। लौकिक सुखों से आगे, महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6वीं सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर ने पहले 23 शिक्षक भी हो चुके थे, उन्हें तीर्थकर कहा जाता, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुष और महिलाओं का जीवन की नदी के पार पहुंचते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि संपूर्ण विश्व जो है ये प्राणवान है, चाहे वो चट्टान हो, सभी, एक पत्थर भी, उसमें भी दुनिया है। तो ये तो हो गई इस धर्म की बात। अब इस धर्म का विस्तार किस तरीके से हुआ? धीरे धीरे ये कई हिस्सों में फैल गया। जब ये कई हिस्सों में फैला तो जो जैन धर्म की भाषा थी, मान लीजिए अगर कोई एक पर्टिकुलर धर्म है जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है तो उसे हिंदी में भी लिखा गया और भी संस्कृत भाषाओं में भी लिखा गया, ताकि लोग उसे जान सकें और समझ सकें। जैसे आपने देखा होगा आज से 20 या 30 ईयर्स पहले गीता और इत्यादि जो पुस्तकें हैं ये केवल हिंदी में उपलब्ध हुआ करती थी और संस्कृत लिखा होता था काफ़ी ज़्यादा, तो करते थे मतलब वही पढ़ते थे जिन्हें संस्कृत आती हो, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इंग्लिश में भी आती है और उन संस्कृत का हिंदी अनुवाद करके भी आता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है उस चीज़ को पढ़ना और समझना, ठीक है। तो अब अच्छा हो गया है ना, तो इसीलिए लोगों ने कई सारी भाषाओं में इसे विस्तृत किया ताकि सभी तक ये ज्ञान पहुंच सके। स्तूप, हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इसे मेल जोल में हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिखे नहीं गए थे। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे मंदिर पे के जो खंभे बने हैं उन पे काफ़ी सारी अच्छी आर्किटेक्चर्स बने हुए हैं, जिससे हम बहुत सी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। उन पे बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। हाँ, उनका मतलब तो हमें नहीं समझ आता है, लेकिन यदि हम अच्छे से समझें तो हमें वो समझ आने लगता है। तो ऐसी कई चीज़ें जो नहीं लिखी जा सके, उन्हें चित्र के रूप में भी व्यक्त किया गया था। अमरावती और सांची की नियति, जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना एक इतिहास होता है। कुछ इतिहास हमें ये बताते हैं कि वो कैसे बने, तथा इनकी खोज का भी एक इतिहास है। 1796 में एक स्थानीय राजा जो कि मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के अवशेष उन्हें मिल गए, इस स्तूप के अवशेष। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कालीन मैकेजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाईं, फिर धीरे धीरे इस पर रिसर्च हुई और तब लोगों को पता चला कि हाँ ये एक, तो फिर धीरे धीरे रिसर्च से पता चला कि ये किस टाइप की मूर्तियां हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये मूर्तियाँ थी, हमने इसे देखा, फिर हमने इसे गौर से देखा होगा, फिर हमने पाया कि नहीं, ये केवल मूर्तियाँ नहीं हैं, ये कई सारी घटनाओं का वर्णन भी करती हैं, तो कभी किसी राजा की जीत का बखान करती हैं, पत्थरों पे गड़ी कथाएं, इन पे कई सारी कथाओं की खोज भी लोगों ने की और फिर उसे समझने की कोशिश की। फिर कुछ पत्थरों पे उन्हें लौकिक परंपराओं के बारे में पता चला होगा कि हाँ, ये लोग नदी के किनारे दिया जला रहे हैं और इसे चित्रित किया गया है, यानी कि ये कोई बड़ा त्यौहार ही होगा। और फिर इन्हें उपासना के प्रतीक, यानी कोई अगर भगवान जी की मूर्ति मिली होगी, जैसे आप सभी ने, और कई सारे उपासना के प्रतीक भी थे, जैसे कि शिव जी, शिवलिंग मिला उन्हें, तो उन्हें पता चला होगा कि हाँ, इनकी पूजा और आराधना की जाती होगी। तो फिर इस तरीके के कई सारे पत्थर और मूर्ति कला के बारे में इन लोगों की रुचि और बढ़ी। जब हम लोगों को कोई एक सुंदर सा पत्थर मिल जाता है तो हम उसे और इंटरेस्ट के साथ खोजते हैं, सोचते हैं कि यहीं कहीं शायद कुछ और भी मिल जाए। तो आप इन पत्थरों को देख सकते हैं, कितने खूबसूरत हैं और इनकी आकृति कितनी प्यारी बनी हुई, छिल रहे हैं पत्थर। और लोक परंपराएं, आपने इस स्त्री को देखा होगा, तो माना जाता है कि इस स्त्री के छूने से पुष्प खिल जाया करते हैं, मतलब ये कथा ही गढ़ी गई है क्योंकि ये चित्र हमें मिला था। वैसे पत्थर पे जो अंकित किए जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि एक तो ये सालों साल चलते हैं, और मतलब जो मान लीजिए अलग से कोई विकास हुआ किसी साम्राज्य का और इस साम्राज्य का पतन हो गया, तो भी कागज़ की चीज़ें भले मिट जाएँ, लेकिन पत्थरें अक्सर बहुत कुछ अपने साथ ली रहती हैं, वो पुरानी संस्कृतियों को सदैव जीवित रखती हैं। नई धार्मिक परंपराएं, ईसा की प्रथम सदी में बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नज़र आते हैं, तथा विशेष महत्व दिया गया बौद्ध मत में निबान के लिए, ठीक है। बौद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निबान प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और विश्वास किया जाने लगा कि ये मुक्ति भी दिलवा सकते हैं। पहले हम किसी को ईश्वर समझते हैं, मोक्ष भी दिलवा सकते हैं, तो उसी प्रकार विश्वास जो है वो इंक्रीज होने लगता है। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं है, हिंदू धर्म में भी तो माना जाता है कि मोक्ष अत्यंत आवश्यक है, जिसमें विष्णु भगवान को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, तथा कई और भी भगवान जी हैं जिनकी पूजा को खास महत्व दिया जाता है। वैष्णववाद में अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ भी विकसित हुई। जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि सभी लोग एक ही तरह की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण भगवान जी की बहुत पूजा करता है, कोई हनुमान जी की बहुत पूजा करते होंगे, तो कोई लक्ष्मी माता की बहुत पूजा करते होंगे, कोई दुर्गा माता की बहुत पूजा करते होंगे, आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट लोग। तो उसी टाइप से लोग भी भिन्न हैं। क्यों भिन्न हैं? क्योंकि अलग अलग तरीके से पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई थी। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि बहुत अच्छे से टीका उका लगा के अच्छे से पूजा करते हैं, कुछ लोग होंगे वो केवल हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग मेडिटेट को ही पूजा मानते हैं, तो ये भी एक पूजा पद्धति होती है।
फिर मंदिरों का बनाया जाना। जब लोगों को मूर्तियाँ मिलने लगी तो लोग सोचे ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, हम इसे रख सकते हैं ताकि यदि लोग कहीं से आते हैं यहाँ पे ट्रेड करने तो वो हमारे जगह की कलाओं को देखेंगे, प्रभावित होंगे और आकर्षित होंगे। तो उसे रखने के लिए कुछ तो बनाया जाना चाहिए ताकि अगर कोई एक इंसान अपने घर में रख लेता है तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें मिली हुई हैं ना, ये हमने बनाई तो है नहीं। तो फिर उसके लिए मंदिरों का विकास हुआ और फिर मंदिरों में उन मूर्तियों को रखा जाने लगा। लेकिन पता है कभी कभार क्या होता था कि जो पत्थरों पे लिखा होता था ना और जो बना होता था उन चीज़ों पे हमें समझ नहीं आता था, वो लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पे उत्कृत मूर्तियाँ, ये क्या चित्रण किया गया है इस पे काफ़ी रिसर्च की बाद भी हम आज तक समझ नहीं पाए, तो उसके लिए तो हमें बहुत कन्फ्यूजन्स हैं और वो अभी भी रिसर्च किया जाना है। वैसे आप एक कालरेखा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा। आपका चैप्टर एक ख़त्म हो चुका है।